ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ आज हलचल होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है। इस बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल सूरजकुंड में विधायकों को कराएंगे लंच। सभी विधायकों को किया गया है आमंत्रित। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल पहुंचेंगे सीएम। बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल की रखेंगे नींव। बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल सूरजकुंड में विधायकों के साथ करेंगे लंच। सभी विधायकों को किया गया है आमंत्रित। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल में पहुंचेंगे सीएम। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम। सूरजकुंड में विधायकों को कराएंगे लंच। सभी विधायकों को किया गया है आमंत्रित। दोपहर 12 बजे राजहंस होटल पहुंचेंगे सीएम। 4 बजे सेक्टर 15 में रखेंगे चैरिटेबल अस्पताल की नींव। वही अब हमारे साथ फरीदाबाद से संजय गुप्ता जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, सूरजकुंड मेला 3 तारीख को शुरू हो चुका है। वहीं पर राजहंस होटल है जहां पर मुख्यमंत्री आज प्रदेश के जितने भी भाजपा के विधायक हैं उनके साथ में बजट को लेकर चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद में वो सभी विधायकों के साथ में लंच भी करेंगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ से लंच के बाद निकलने के बाद में वो सेक्टर 15 में बंदा बहादुर सिंह जो है उनके नाम से एक यहाँ पे मेमोरियल अस्पताल बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद से जाने के बाद दिल्ली पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने भाजपा के 10 सांसद हैं उनको बुलाया हुआ है, जिनमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, राविंद्र जीत भी हैं। इनके साथ हरियाणा भवन में डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया जा रहा है जहां पर बजट पर चर्चाएं की जाएंगी और आगामी नगर निगम के जो चुनाव है मानेसर, गुड़गावा और फरीदाबाद, इन पर भी चर्चा की जाएगी। जी संजय, फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला चल रहा है, ऐसे में आज सूरजकुंड के मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए सूरजकुंड मेला 3 तारीख को शुरू हो चुका है। पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी यह मेला पूरी तरह लोकप्रिय हो चुका है जहां पर देश के तमाम शिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के 42 देशों के लगभग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। लगातार यहां पर जो मेला प्रबंधन है उनका प्रयास है कि जो दर्शक मेले में है, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल जो सूरजकुंड मेला था वो नहीं हुआ था, इस बार जो मेला हो रहा है, पिछली बार भी मेला हुआ था, मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेले का आयोजन गर्मियों में हुआ था जिसके चलते जितने दर्शक मेले में पहुंचने चाहिए थे उतने नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस बार जो मेले का आयोजन है बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है, हालांकि बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी की कमी है, टॉयलेट की कमी है, नेटवर्क नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शकों का इतना प्यार सूरजकुंड मेले पर उमड़ रहा है कि वहां पर लगातार बहुत भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर बात करें आज के आयोजनों की तो यहाँ पर सुबह से जब से मेला शुरू होगा उसके बाद जो बड़ी चौपाल है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही मुख्यमंत्री मेले में पहुंचेंगे तो तमाम जिले के जो अधिकारी हैं और जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं वो वहां पर मुख्यमंत्री की अगुवाई करेंगे और जब तक मुख्यमंत्री वहां रहेंगे तब तक लगातार जो कल्चरल प्रोग्राम है उनका भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेले का भी निरीक्षण करेंगे। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता फतेहाबाद से भी रमेश झाका जुड़े हुए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल होने वाली है? बात करूं तो जैसे पूरे हरियाणा केंद्रीय को लेकर सरपंचों का जो गुस्सा अभी भी जारी है उसको लेकर जो है 15 जनवरी से ये जो है इनका जो ब्लॉक सत्र पे धरना शुरू हुआ था उसके बाद जो कल से जो है विधायक दूलाराम जो है फतेहवंश विधायक है उनके घर के आगे जो है अब डेरा जो सरपंचों ने लगा दिया है तो कहीं ना कहीं सरपंचों का जो गुस्सा वो सातवें आसमान के ऊपर है। और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर विधायक फतेहवाद के जो है वो विधानसभा में ई टेंडरिंग को लेकर के हमारी आवाज उठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये धरना विधायक दूलाराम के घर के आगे जारी रहेगा जब तक उनकी जो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल जो है इनको जो है वापस नहीं ले लिया जाता। दूसरी बताना चाहूंगा फतेहवाद की अगर बात की जाए तो फतेहवाद के अंदर चोरों के हौसले वो बुलंद हैं और लगातार चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फतेहवाद की बात की जाए तो लोगों के घरों पर डाके डाले जा रहे हैं,
और दूसरी बात जो है ना, भट्टुकला और भुन्ना के अंदर जो है बड़ी चोरी की घटनाएं जो हुई है, बिजली घरों की 8-8 कमरों के ताले एक साथ जो तोड़े गए हैं, तो चोरी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो पंचकूला में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपराध मुक्त और जल्द से जल्द ऐसे जो चोर हैं, डकैत हैं, उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस को जो है एक बैठक के दौरान सख्त निर्देश कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं। और दूसरा एक और बताना चाहूंगा, जो हमारे फतेहाबाद जिले की जो मनीषा पायल थी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा झंडा जो हमारा लहरा करके जो फतेह हासिल की थी, उसको लेकर के वो अब गांव गांव अब उनका जो अभियान जो शुरू हो चुका है, सरकार से मान सम्मान वो चाहती है, कहीं ना कहीं उनको कहीं भी कोई मान सम्मान नहीं दिया गया, उसको लेकर अब गांव गांव जाकर के वो उनका जो है एक रैली निकाली जा रही है। और वो डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी मनीषा पायल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फतेहाबाद जिले की पहली बेटी थी जो आज रैली करने को मजबूर है और कई बार ये जो है ज्ञापन भी ये सौंप चुकी है। जी हिमानी, तो ये फतेहाबाद की ये बड़ी हलचलें हैं लगातार जो है, और भी जो भी अपडेट होंगी वो हम हर खबर टीवी चैनल के माध्यम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी संजय, अब आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं फरीदाबाद, तो ऐसे में फरीदाबाद वासियों के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा किस तरह खास रहने वाला है और फरीदाबाद वासियों को क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं? उम्मीद की जा रही है कि फरीदाबाद को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं, लेकिन सौगात की अगर हम बात करें तो जो बंदा बहादुर सिंह मेमोरियल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, यह पूरी तरह चैरिटेबल अस्पताल होगा। जो फरीदाबाद के जो नागरिक हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, या हम बात करें जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। जब ये अस्पताल तैयार होगा तो इसमें जो टेस्ट होंगे उन पर एक मामूली शुल्क लिया जाएगा, जिन लोगों का इलाज किया जाएगा उनसे बहुत मामूली शुल्क वसूला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो बंदा बहादुर सिंह मेमोरियल अस्पताल का जो शिलान्यास होना है, कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री फरीदाबाद आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने अपने तरीके से उनके स्वागत की तैयारी कर रखी है। वो लगातार अडानी जिस तरीके से अडानी के शेयर जिस तरीके से पूरे गिरते जा रहे हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी हमलावर है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर रखी है कि मुख्यमंत्री फरीदाबाद में होंगे और वो फरीदाबाद के जंतर मंतर कहे जाने वाले नगर निगम के चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक हल्ला बोल जिस तरीके से होता है उसका आयोजन करेंगे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करेंगे। जी संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जितना भी पुलिस प्रशासन है, हम बात करें पलवल जिले की पुलिस या अतिरिक्त पुलिस बल जो फरीदाबाद में बुलाया हुआ है, वो लगातार सूरजकुंड मेले की सुरक्षा में लगा हुआ है। फरीदाबाद में अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में जो थाने हैं वो पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर अपराध बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बात जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा की हो तो पूरी तरह सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक बात और मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने करीबन 3 महीने पहले जो सूरजकुंड वाली सड़क है, इस सड़क का निर्माण करने के आदेश दिए थे और उसका जो बजट था वो भी बताया जा रहा है कि वो जिला प्रशासन को सौंप दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके जो मेले के लिए जो सड़क जाती है फरीदाबाद से दिल्ली को जो कनेक्ट करती है, उस सड़क पे जो है छोटी छोटी चेपी लगा दी गई है, कोई निर्माण नहीं कराया गया। लगातार पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश दिए हैं तो उसके बावजूद सड़कों को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री जी जब अपनी उन सड़कों से गुजरेंगे तो उन अधिकारियों से क्या वार्ता होगी, क्या उनको सुझाव दिए जाएंगे कि ये सड़क आपने क्यों नहीं बनाई है। जी जी बिल्कुल संजय और रमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हल्का हलचल में आज इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।